हेलो एवरीवन, टुडे न्यू नोटिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच एक नई ताज़ा अपडेट लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं जो 2 मिनट पहले साइट पर आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NVS PGT का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जिन कैंडिडेट ने नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो PGT की वैकेंसी आई थी उनका एग्जाम दिया था उनसे संबंधित यह नोटिस आया हुआ है और आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। और रिजल्ट को देखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको फुल डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी किस तरह आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए चलो हम सबसे पहले देख ही लेते हैं कि किस साइट पर यह रिजल्ट आया हुआ है। मैं आपको बताना बताऊं कि यह साइट पर आने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा नवोदय विद्यालय समिति रिजल्ट 2020 PGT रिजल्ट डिक्लेयर। यहां पर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको देखो यहाँ दिखाई दे जाएगा नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ है रिलीज रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंटरव्यू वाज हेल्ड फ्रॉम 2 से 12 मतलब 2 यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा आपको। अपेयर्ड कैंडिडेट कैन चेक द रिजल्ट बिलो लिंक मतलब इंटरव्यू हुआ था इनका 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हुआ था, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लिक है PGT CBT रिजल्ट इंटरव्यू शेड्यूल, यहाँ पर ये पहले लिस्ट आई हुई थी, अब जो लिस्ट दी गई है यहाँ पर आपको कंबाइंड मेरिट लिस्ट वाली पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी लिस्ट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वैकेंसी के बारे में बताया कब आपका इंटरव्यू हुआ था, कब आपकी वैकेंसी आई थी और कब आपका किन किन कैंडिडेट को कब बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, सारी डिटेल इसके अंदर बताएगी है। किन को एलिजिबल माना गया था और कौन कैंडिडेट नॉट एलिजिबल दिखाए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट PGT बायोलॉजी का जो कैंडिडेट है रिक्वायरमेंट ड्राइव जो 2 जुलाई 2019 के अंदर आई थी, CBT के अंदर जितने आपके कट ऑफ मार्क्स मतलब 150 नंबर के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, 150 नंबर के अंदर से आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं और कितने की आपको वेटेज दी गई है, कितने इंटरव्यू वेटेज दी गई, इस तरह आप देख सकते हैं अपना रोल नंबर और नेम। तो यह लिस्ट 46 पेज की PDF लिस्ट है, इसके अंदर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट के नाम भी दिए गए, यहाँ देख सकते हैं आप कि ये कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए PGT बायोलॉजी, इस तरह अलग अलग PGT केमिस्ट्री अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बताए गए हैं, इस तरह आप अपना नाम चेक कर सकते हैं इसके अंदर। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है इस PDF से रिलेटेड या कोई और दिक्कत आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी कर देंगे। दूसरे हम उसकी तरफ चलते हैं, एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया जो रिजल्ट से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक केयर PGT रोल नंबर वाइज रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक करना सिंपली। यहाँ पर यह है रिजल्ट आप कैसे हो जाए, ये देखो यहाँ एक दिक्कत आ रही है, यहाँ छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनेबल टू एक्सेस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा अभी। यह अभी 2 मिनट पहले साइट पर रिजल्ट नोटिफिकेशन आया है कि आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक PDF मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दी, दूसरी PDF में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ी 5-6-10 या 15 मिनट के बाद ये ओपन हो जाएगी। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लिंक दे दूंगा इसका, वहाँ से डायरेक्ट आप इसका डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिए, हम की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी कर देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको भारत के सभी राज्यों से संबंधित अगर किसी भी राज्य में कोई भी जॉब से संबंधित नोटिस आता है, कोई भी आंसर के संबंधित नोटिस आता है, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड और कोई भी एडमिट कार्ड संबंधित नोटिस आता है, तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो के अपडेट आपके लिए लेके आते रहे, आपको सबसे पहले पता चल जाएगी किस राज्य में कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे कि हमें पता चलता रहे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कितनी अच्छी लग रही है और हमारे द्वारा हमें भी अच्छा महसूस होगा कि हम किसी का कार्य को अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने NVS PGT के अंदर फॉर्म भरे थे उनका इंतजार खत्म हो चुका, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, अपना साइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।